सो हेलो गाइस, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग पैनिक होकर अपना शेयर या अपना क्रिप्टो करेंसी को सेल नहीं करें, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि टैक्स जो है कल से ही लगने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को सिर्फ ये बात पता थी कि 30% टैक्स लगने वाली है, लेकिन कब लगने वाली है ये बात पता नहीं थी, और इसलिए पैनिक होकर अपना सारा क्रिप्टो करेंसी को सेल कर दिया। बट आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं आपको इस 30% टैक्स के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें, जिससे कि आप इस 30% टैक्स का पूरा कहानी क्या है वो अच्छी तरह से समझ पाएं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 30% टैक्स जो लगने वाला है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो कम से कम जो लोग अभी पैनिक होकर अपना सारा क्रिप्टो करेंसी को बेच रहे हैं, उसको कम से कम लास्ट फरवरी तक तो वेट कर ही लेना था। और भाई वेट करेंगे भी कैसे, पता रहेगा तब तो, और पता रहेगा भी कैसे, अपने भाई को सब्सक्राइब कर रखेगा तब तो। सो गाइस, इसलिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। सो गाइस, बेसिकली जो कहानी चल रही है 30% टैक्स को लेकर, वो सारी कहानी इस 3 पेज का खेल है। मैं आपको हर एक पेज के बारे में सारी बात बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है लोगों का वो ये है कि 30% टैक्स किस पे लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 30% टैक्स है वो आपके प्रॉफिट पर लगेगा। जी हाँ, आपके प्रॉफिट पर लगेगा, ना कि आपके लॉस पर। सिंपली भाषा में अगर आपको बताऊं तो अगर आपने 100 का बिटकॉइन बाय किया और उसको आपने 200 में बेच दिया, तो ये जो 100 का प्रॉफिट हुआ है उस पे 30% टैक्स लगेगा। मतलब कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है उस पे 30% टैक्स लगेगा। यही अगर आपने 100 का बिटकॉइन बाय किया और आप लॉस में हैं, तो आपका ये 30% टैक्स नहीं लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आई है तो कमेंट जरूर करें। अब आते हैं सेकेंड बात पे, जो कि 1% TDS को लेकर है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप को देख लीजिए। ट्रांसैक्शन TDS इम्पोस्ट ऑन एवरी ट्रांसैक्शन इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। तो अभी आपने वीडियो में देखा ही होगा कि हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उसने ये साफ साफ कहा है कि 1% TDS ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, मतलब कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन पे 1% TDS देना हो। लेकिन इन्होंने परचेसिंग या सेलिंग को स्पेसिफाई नहीं किया, बट इन्होंने कहा है कि 1% TDS देना होगा एवरी ट्रांजेक्शन पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया है वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके 1% TDS को हर ट्रांजेक्शन पर डिडक्ट कर लेगी। जैसे कि आप शॉपिंग करते हो अमेजन पे, या आप जो भी वेबसाइट यूज करते हो शॉपिंग के लिए, तो आपका जो बिल आता है तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है आपके टैक्सेस को। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा, आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसपे 1% TDS ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया जाएगा। एंड गाइज, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि ये है कि क्या हमने पहले प्रॉफिट जो बनाया है क्रिप्टो करेंसी से, क्या हमें उस पे भी टैक्स देना होगा। तो गाइज, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पहले कितना कमाया है या कितना प्रॉफिट कमाया है उससे इसको कोई भी मतलब नहीं है। अब जो आप 1 अप्रैल से प्रॉफिट कमाओगे उस पे आपको टैक्स लगेगा। सो गाइज, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आई होंगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी कोई पैनिक होकर अपना क्रिप्टो करेंसी को सेल न करे। एंड वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज जरूर करें। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।